तो दोस्तों डार्क फियोनिक्स तो वैसे पहले ही रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैंने आज देखा। तो मैं अपना साधारण तरीके से रिव्यू करूँगा, लेकिन हो सकता है कि मैं स्पॉइलर बता दूँ, तो आप ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, सिर्फ आपको सुनना है। मैं उन लोगों की तरह रिव्यू नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं उनकी तरह कैसे रिव्यू किया जाता है, लेकिन मैं ठीक तरीके से मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी थोड़ी बताऊँगा और कुछ स्पॉइलर ना बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आपने एक्समैन की जितने भी मूवीज़ देखी होंगी, जब उसका टाइटल आता है तो टाइटल से पहले जितने भी इफ़ेक्ट्स दिखाए जाते हैं वो काफ़ी बढ़िया होते, लेकिन इस मूवी में कोई इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाया गया है। ये बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मूवी शुरू होती है तब की एक सीन है, एक सीक्वेंस है, वो बहुत ही बढ़िया और अच्छा फिल्माया गया है, वो देखने लायक है। मतलब मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से होती है। इस मूवी को 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे की बनानी चाहिए थी, लेकिन ये मूवी सिर्फ 2 ही घंटे की, बल्कि ये उससे भी 6 मिनट कम की है। धरती के बाहर यानी अर्थ के बाहर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो सब कुछ सब म्यूटेंट्स एक्समेंस हेल्प करने के लिए वो बाहर जाते हैं, और वो सीन काफ़ी बढ़िया फिल्माया गया है। और तभी वो एक ब्रह्मांड की शक्ति उसके अंदर, वो उसको फियोनिक्स कहते हैं, वो उसके अंदर समा जाती है, जीन के अंदर। उसके बाद वापस धरती के ऊपर आने के बाद वो अपने में से किसी एक को वो मार देती है, और वो किसको मार देती है वो आप खुद ही देखिए, वरना मत देखिए, मैं नहीं बताऊँगा। और वो मैग्नीटो यानी एरिक के पास जाती है, और वो शायद इंडिया में है। तो वो भी सीन काफ़ी अच्छी फिल्माई गई है, और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, और वो उसको चले जाने के लिए कहता है, तो वो सुपरमैन की तरह उड़ जाती है। उसके बाद हैंक यानी कि बीस्ट उसे मिलने के लिए आता है, और कहता है कि वो उसको उसको ढूंढने के लिए मदद करे, जीन को ढूंढने के लिए मदद करे। और उसको एक ऐसी बात पता चलती है, तो वो उसको कहता है कि वो उसको ढूंढेगा और उसको मार डालेगा। बस इसके बाद ही कुछ ऐसे सीन इस मूवी में डालने चाहिए थे कि उसको अलग अलग तरीके से वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। उसको मारने की कोशिश भी नहीं कर पाता, वही उसको मारती है। और उसको तो ये भी लगता है कि एरिक भी उसको मारने के लिए आया है, और चार्ल्स भी उसको मारने के लिए ही आ रहा है, तो सब उसके खिलाफ़ हो गए, ऐसे उसको लगता है। अब ऐसा क्यों लगता है वो आप मूवी देखिए, वरना ना देखिए। अब इसी में ही 1 घंटा हो गया दोस्तों, मतलब 1 घंटा नहीं हुआ, लेकिन 1 घंटे के बाद की ये सारी सीन्स है। बाद में कुछ ऐसी वैसी, मतलब वहीं पर ही उन दोनों में जो झगड़ा होता है, उन लड़ाई में ऑफिसर्स और पुलिस लोग इन सारे म्यूटेंट्स को वो अरेस्ट कर लेते, पकड़ लेते हैं, और एक ट्रेन से वो ले जा रहे होते हैं। बस तभी कुछ गुंडे लोग हमला कर देते हैं। अब वो गुंडे लोग कौन है तो वो आप देखिए, वरना ना देखिए। ये एक्समैन्स उन ऑफिसर से कहते कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आप हमें छोड़िए। और उनमें से एक उनको छोड़ सबको वो छोड़ भी देता है, और वो उन गुंडों के साथ इनकी लड़ाई काफ़ी अच्छी फिल्माई गई है, वो बहुत ही बढ़िया है, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन कितने मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। उसके बाद चार्ल्स जीन को किसी तरीके से समझाता है कि वो कुछ गलत ना करे, वो सही करे। फिर वो सबको बचाने के लिए वो कुछ ऐसा कुछ करती है, और कुछ ज़्यादा भी नहीं, वो कुछ भी ऐसे कुछ बड़ा चढ़ा के भी उसको नहीं दिखाया गया कि वो बहुत ही ऐसे आसान तरीके से वो कर देती है। बस दोस्तों मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की मैं आपको ज़्यादा कहानी ना बताऊं, और मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ यूट्यूब पर मैंने देखे देखे, मतलब मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन वो लिख कर क्या कह रहे, मैंने वो पढ़ा, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कह रहे कि मूवी को मत देखिए, ऐसा है वैसा है। तो मुझे भी लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि इस मूवी में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इसके DVDs आने तक आप इंतज़ार करिए, फिर आपको जितना भी मन चाहे उतनी बार आप देखिए, जो सीन आपको बार बार देखने का मन हो, अब वो आपको अब वो आप बार बार उसको रिपीट करके आप देख लीजिए। और इसका वर्ल्ड TV प्रीमियर, मतलब फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन होगा स्टार मूवीज़ पर, और वो होगा मई या फिर जून में 2020 में। तो ये मूवी 2 घंटों के दोस्तों, तो मुझे लगता है कि 1 घंटा
इसके अंदर ऐड करना चाहिए था, और ऐसे ऐसी बढ़िया सीन्स इसके अंदर डाल देनी चाहिए थी कि चार्ल्स और मैग्नीटो हमेशा ही दोनों हमेशा ही लड़ाई करते हैं, तो उन दोनों में इस मूवी में कोई लड़ाई नहीं है, वो कुछ भी एक दूसरे से वो लड़ाई ज़्यादा नहीं करते, वैसे करते तो बहुत ही थोड़ी सी लड़ाई करते हैं। लेकिन वो मैग्नीटो जब जीन को मारने की कोशिश करता है तो उसको मार भी नहीं पाता, तो वो बिना तैयारी के भी वो उसको मारने की कोशिश करता है, मतलब बहुत ही जल्दबाजी लगी है सबको। तो ऐसा नहीं, वो बहुत ही मूवी को अच्छी तरीके से बनाना चाहिए था लेकिन उसको नहीं बनाया गया है। अगर आप ये मूवी देखें तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ बहुत ही बढ़िया देखा। तो मैं कहूँगा कि आप देखिए ना देखिए, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इस मूवी को ना देखिए। और अगर आपने देखा है तो आपको, तो क्या आप मेरी बात से सहमत है, आप नीचे कमेंट करिए, और अगर नहीं है तो भी, अगर नहीं है तो भी कमेंट कीजिए, और अगर किसी मूवीज़ के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट सवाल कीजिए। अगर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कोई भी मूवी सिनेमाज़ में रिलीज़ होने से पहले या फिर रिलीज़ होते ही वो किस चैनल पर आएगी, कब आएगी सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच।